नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है तो कल हम इंग्लिश के तीनों तीन चार पांच क्लासेस का जो इंग्लिश का पोर्शन है एनसीईआरटी का वो करा चुके हैं एक ही वीडियो में कराया था बहुत ही शॉर्ट में कराया था साइड माइक बटन में पिछला वीडियो आपको मिल जाएगा क्योंकि उसमें इंग्लिश में था तो आप खुद से नहीं पढ़ सकते इसलिए अपने शॉर्ट शॉर्ट में सारी चीजें वहां पर बता दी थी हिंदी में आपको पूरे पूरे चैप्टर हम पढ़ाएंगे और उस चैप्टर को जितने से जितना शॉर्ट हो सकेगा उसकी हम बात करेंगे और सबसे पहले आज हम लेकर के आए हैं पांचवी कक्षा जो है उसकी हिंदी पाठ्यपुस्तक रिम झिम इसमें सबसे पहले समझिए कि जितने भी चैप्टर बटे हुए हैं हर चैप्टर के बाद एक आपको पोयम भी देखने को मिलेगी लोक कथा लेख कविता ऐसे करके उनकी विधा भी पूछी जा सकती है आपको पेपर में तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये राख की रस्सी दुनिया की छत फसलों के त्योहार ऐसे करके ये पूरा लिस्ट आपकी दे रखी है नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह करके और नीचे और कोई चैप्टर नहीं यानी टोटल आपके अठारह और ये उन्नीस करके लगभग वही बीस चैप्टर हैं शब्दार्थ वगैरह मिला करके तो ये काफी कुछ है इसमें काफी समय लगेगा कोशिश हम करेंगे कम से कम समय में आपको चीजें दे सके पहला चैप्टर हमारा राख की रस्सी जो कि एक लोक कथा है विधा भी ध्यान रखिएगा तो इस लाख राख की रस्सी में एक करेक्टर है जिसका नाम है सोन गवसैन करके ये लोनपोगार तिब्बत के बत्तीसवें राजा जो है वो थे पहली शिफ्ट जो हुई थी उसमें यहाँ पर कौन से राजा थे ऐसे करके क्वेश्चन बना था तो ये फेमस बहुत थे तुरंत हाजिर जवाबी और दूर दूर तक जो है मशहूर थे इनका एक बेटा था बड़ा बेटा था जो कि बहुत ही ज्यादा सीधा था भोला था तो सीधा बेटा होता है तो वो इनके पिताजी सोचते हैं कि मेरे बाद इसका फिर काम कैसे चलेगा क्योंकि भैया राजा है तो होशियारी तो चलती है तो इन्होंने अपने बेटों को सौ भेड़े जो है वो दी और कहा तुम इसको शहर लेकर के जाओ और तुम्हारे पास शर्त यह है कि तुम्हें इन्हें मारना या बेचना नहीं है तुम जब वापस आना तो सौ जौ के बोरे के साथ जो है वो वापस आना अगर तुम नहीं आए तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा उनका बेटा जो है वो शहर गया वहां पर उसको समझ में नहीं आया कि भैया मैं ऐसा क्या खरीद लू कि मुझे सौ की बोरे मिल जाए दूसरी चीज उसके पास पैसे भी नहीं थे सबसे मेन जो दिक्कत थी कि उसके पास पैसे ही नहीं थे फिर उसी समय उसके सामने एक लड़की जो है वो आई उसने पूछा कि क्या बात है तुम इतने दुखी क्यों हो लोनपो गार का जो बेटा था ध्यान दीजिएगा इस पूरी कहानी में लोनपो गार के बेटे का कोई नाम नहीं दिया गया है लोनपो गार का नाम दिया गया है इसने बताया ऐसी ऐसी बात है मुझे जो है वो सौ जो के बोरे खरीदने तो लड़की ने कहा कि तुम जो है वो भेड़ों के जो बाल है वो उतारो और उन्हें बाजार में भेज दो तो जो रुपए मिले उनसे जो है सौ बोरे खरीद कर उसे वापस भेज दिया अब लोन पोकार बेटे को लगा कि भैया पापा तो बहुत खुश होंगे तो वो गया पर पापा ने उसका कोई ध्यान ही नहीं दिया पापा ने उसको देखा भी नहीं वापस आकर उसने आप बीती सुना दी कि लड़की ने ऐसे ऐसे किया था सारी चीजें उसने बता दी बाकी पापा सुन के कमरे में चले गए कोई रिएक्शन नहीं दिया दूसरे दिन बेटे को फिर से बुलाया कहा पिछली बार जो तुम भेड़ों के बाल उतरवा करके बेच आए थे मुझको अच्छा नहीं लगा तुम दोबारा भेड़ों को ले जाओ और उसके फिर से जौ के सौ बोरे लेकर के ही वापस आना वरना मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा अब फिर से गया उनका बेटा वहीं जाकर बैठ गया फिर से वही लड़की आई और लड़की ने अबकी तरीका दिया कि भेड़ों के सींग काट लिए और उन्हें बेच करके जो सौ बोरे हैं वो खरीद लेना फिर से उनका बेटा वापस घर गया पैसे लेकर जो सौ जौ के बोरे लेकर और सारी कहानी सुना दी तो लोनपोगार जो है वो बोले कि तो उस लड़की से आपकी जाना तुम वहां मिले तो उससे कह देना कि हमें नौ हाथ लंबी राख की रस्सी बना करके दे उनके बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश बता दिया लड़की ने कहा कि एक शर्त है मैं दे तो दूंगा रस्सी बना तो दूंगी परंतु तुम्हारे पिता तु को तु वो गले में पहननी होगी तो लोनपोगार तो ने सोचा ऐसी रस्सी बनाना ही नहीं पॉसिबल है कि आप राख की रस्सी बना दें तो इसलिए लड़की की शर्त उसने क्या करी उनके जो लोनपोगार थे उन्होंने मंजूर कर लिए अगले दिन क्या हुआ लड़की ने नौ हाथ लंबी रस्सी ली उसे पत्थर के सिल पर रखा और रस्सी को जो है वो जला दिया अब रस्सी जल गई मगर रस्सी के आकार की राख तो बची गई थी तो वो उस सिल जिस पर उसने जलाई थी रस्सी उसको सीधे उठा करके लोनपो घर पहुंच पहुंच गई उसे पहनने के लिए कहा कि लो भैया पहनो लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गया वो जानता था कि रात की रस्सी को तो गले में पहनना तो दूर उसे उठाना भी मुश्किल है हाथ लगाते ही टूट जाएगी लड़की की समझदारी के सामने उसकी अपनी चालाकी धरी रह गई और बिना वक्त गवाए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा और धूमधाम से उनकी शादी हो गई यहाँ पर वो लड़का और ये लड़की आप देख सकते हैं यहाँ पर एक चीज ये भी बताई गई है इसी में समरी में गेहूं और जौ जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है अनाज जो है वो आपका जातिवाचक संज्ञा और रिमझिम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है पाठ्य पुस्तक जातिवाचक संज्ञा के अलावा यहाँ पर नाइमा डावा मिगमार लाकपा नुक्कू फोरदे ये सब नाम दिए गए हैं ये तिब्बती बच्चों के कुछ नाम होते हैं इसके अलावा दुनिया की छत तिब्बत को कहते हैं राख की जो रस्सी है शीर्षक लोग था तिब्बत से संबंधित है इसी को दुनिया की छत कहते हैं क्योंकि तो बहुत ऊर्जे पठार पर जो है ये स्थित है पहाड़ों की खासियत को लेकर के भी बताया गया है कि भूरे लाल पीले बैंगनी गुलाबी हरे किसी भी रंग रंग के के आपको देखने को कई रंग के जो है ये होते हैं तिब्बत में बरसात और बर्फबारी जो है वो कम होती है नमी भी बहुत कम होती है तिब्बत में लगभग पंद्रह झील है इनमें से मानसरोवर झील का बहुत नाम है यहीं से सांगपो यानी ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है साइड में घरों की विशेषता देख सकते हैं जो तिब्बती लोगों का घर होता है उनकी बनाने की कारीगरी कारीगरी में लकड़ी के बने हुए बहुमंजिला घर जो है वो होते हैं लोग अब पत्थर मिट्टी और सीमेंट के घर भी बनाने लगे हैं खिड़कियां भी बहुत ज्यादा होती हैं ताकि सूर्य की ढेर सारी रोशनी आ सके क्योंकि ठंड होती है ना बर्फ पड़ती है इसलिए और भूकंप से बचाव के लिए दीवारें अंदर की ओर थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं जैसे कि आप यहाँ पर झुकाव सभी में देख सकते हैं तिब्बत का सबसे बड़ा शहर को लहासा लहा करके लिखा हुआ है तीन हजार छह सौ पचास मीटर की ऊंचाई पर यह स्थित है दुनिया का सबसे ऊंचा शहर अब हमारा यहां से अगला चैप्टर त्योहार है तैयार है फसलों के त्योहार जो कि आपका एक लेख है सबसे पहली लाइन में ही लिखा है बोरसी के आगे बैठकर हाथ तापते हुए गुजर जाते हैं और जो जिसमें ताप आग तापा जाता है ना उसको लेकर के और इसमें बताया गया है कि आज जो है वो खिचड़ी है खिचड़ी में ये भी बताया गया है ऊपर केले के कुछ पत्ते कगार में रखे थे जिस पर तिल गुड़ मिठ, मिठा गुड़ चावल आदि के छोटे छोटे ढेर पड़े हुए थे उनको प्रणाम करने के लिए कहा गया बाद में उनको दान करने के लिए कहा गया उसके बाद गया से आए तिल गुड़ और चीनी के तिलकुट को बड़े चाव से खाया ये गया से आया था इसके अलावा ईट से बने चूल्हे पर कड़ाहों में खिचड़ी जो है वो बनाई जाती है वो यहाँ लिखा है त्यौहार आपको पता है जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांत में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्यौहार मनाया जाता है इस चैप्टर में सबसे खास उत्तर प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत असम में बिहू केरल में ओणम तमिलनाडु में पोंगल पंजाब में लोहड़ी झारखंड में सरहुल गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़ा त्यौहार है इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय पर मनाया जाता है तो इसके अलावा झारखंड में जो सरहुल मनाया जाता है ये चार दिनों तक इसका जश्न चलता है अलग अलग जनजातियां भी अलग अलग समय मनाती हैं जिसमें संथाल लोग फरवरी मार्च में ओरांग जो है लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं आदिवासी आमतौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है इसके अलावा यह भी लिखा है कि पंक्ति में कमर में बाहें डाल करके लोग नृत्य करते हैं और घर में घर घर से चंदा मांगने की प्रथा है चंदा में मांगते हैं मुर्गा चावल मिश्री करके उसके बाद कानों में सरई का फूल पहनते हैं और इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है आगे बात करते हैं तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है इस दिन खरीफ की फसल जो है चावल अरहर आदि काट कर घरों में पहुंचती है लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है जिसमें नए चावल दूध और गुड़ डालकर उनको पकाने के लिए धूप में रख देते हैं हल्दी यहाँ पर शुभ मानी जाती है इसलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह के चारों ओर बांध दिया जाता है और ये मटका दिन में साढ़े दस बारह बजे तक धूप में रखा जाता है जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगला पोंगल पोंगला पोंगल ऐसे खिचड़ी में उफान आ गया के स्वर जो है पर पर सुनाई देते हैं तो तमिलनाडु में मकर संक्रांति पोंगल के रूप में मनाई जाती है उसकी विशेषता लिखी है दूसरे पॉइंट में गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति अधूरी होती है तो यहां पर पतंगों की विशेषता बताई गई है अगला कुमाऊ इसमें मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं आटे और गुड़ को गूंदकर पकवान बनाए जाते हैं और इन पकवानों की तरह डमरू तलवार दाड़िम का फूल आदि ये आकार दिए जाते हैं तरह तरह के पकवानों को और ये काम बहुत ही रुचि और उत्साह के साथ करते हैं सुबह बच्चों को माला दी जाती है बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़कर पक्षियों को खिलाते हैं ये जितने भी पकवान बनाए जाते हैं ना इनको पिरो दिया जाता है यहाँ लिखा ना एक माला में पिरो दिया जाता है जिसमें संतरा गन्ने की गंडेरी ये सब पिरोया जाता है तो ये कुमायु में कुमाऊ में मकर संक्रांति जो है जिसको घुघुतिया कहते हैं उसको लेकर बताया गया है और जो ये गीत गाते हैं पक्षियों को बुलाने के लिए वो यहाँ पर आपको दिया गया है आखिरी में एक ये भी पॉइंट आपको बताया गया मकर संक्रांति के दिन पानी में तिल डालकर स्नान करना तिल दान करना आग में तिल डालना तिल के पकवान बनाना ये विशेष महत्व रखता है इसमें क्वेश्चन ऐसे पूछा गया खिचड़ी में आइसन जाड़ा हम पहले कबो ना देखे तो खिचड़ी से क्या मतलब है खिचड़ी यानी कि उस समय के त्यौहार को लेकर के बात की गई ऊपर स्टार्टिंग में चैप्टर में बताया गया है कि दस दिन से बहुत धूप नहीं निकली है और जैसे ही रजाई से निकला वो लड़का और उसने कहा कि नहा करके आए तो बहुत ठंडी लग रही है उसी भाव को लेकर के यहाँ पर लिखा गया है खिचड़ी से आप मत का मतलब सीधे सीधे मकर संक्रांति के समय को आप याद रख सकते हैं अब हमारा अगला चैप्टर है खिलौने वाला अब इस खिलौने वाले चैप्टर में आपको कहानी देखने को मिलेगी नहीं पोयम देखने को मिलेगी यानी कि कविता देखने को मिलेगी खिलौने वाला आया है सुंदर सुंदर नए खिलौने लाया है इसमें हरा हरा तोता है पिंजड़े में गेंद है सर सर में चलने वाली सीटी भी है कई तरह के सुंदर खेल भी है चावी भर देने से भगभग करती चलने वाली रेल भी है गुड़िया भी है छोटी सा टी छोटा सा टी सेट है लोटा थाली है धनुष बाढ़ है खिलौने ले लो भैया जोर जोर से पुकार रहा है गुड़िया ले लो भैया मुन्नू ने कहा गुड़िया ले रही है और मोहन ने कहा मोटर गाड़ी जो है वो ली है और मचल मचल सरला कहती है कि माँ से लेने को साड़ी तो खिलौने वाला क्या माँ को क्या साड़ी ला सकता है साड़ी तो कपड़े वाला कभी कभी दे जाता है आगे अम्मा तुमने तो ला करके मुझे दे दिए पैसे चार कौन खिलौना लेता हूं मैं तुम्हें तुम भी मन में करो विचार तुम सोचोगी मैं कर लूंगा तोता बिल्ली मोटर रेल पर मां या मैं कभी ना लूंगा ये तो है बच्चों के खेल मैं तलवार खरीदूंगा माँ मैं लूंगा तीर कमान जंगल में जा किसी ताड़का को मारूंगा राम समान तपसी यज्ञ करेंगे असुरों को मैं मार भगाऊंगा या कुछ ही दिन करते करते रामचंद्र बन जाऊंगा यहां रहूंगा कौशल्या में तुमको यहीं बनाऊंगा तुम कह दोगी वन जाते को हंसते हंसते जाऊंगा पर मां बिना तुम्हारे वन में मैं कैसे रह पाऊंगा दिन भर घूमूंगा जंगल में लौट कहाँ पर आऊंगा जिससे लूंगा पैसे रूटूंगा तो कौन मना लेगा कौन प्यार में बिठा गोद में मनचाही चीज देगा तो ये सबसे पहले आपको याद रखना है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो है ये पंक्तियां हैं और आपने देखा कि माँ के प्रेम को दर्शाया गया खिलौने को दर्शाया गया उस बच्चे को वीरता जो बच्चा है ऐसे वो कहता है कि मुझे खिलौने नहीं खेलना है मुझे वीर बनना है रामचंद्र जी और जो रावण को मारना है इस तरीके के शब्दों का प्रयोग इसमें किया गया है यहाँ पर कविता में तीन नाम दिए गए हैं राम कौशल्या और ताड़का तो कौशल्या आप जानते हैं जो दशरथ थे उनकी जो है वो पत्नी थी रामायण में राम जी आप सभी जानते हैं और ताड़का आप जानते हैं इसमें राक्षसी थी और राक्षसी से वो राम जी जो है वो भिड़े थे ना उनको हराया था ध्यान होगा ये सुकेतु यक्ष की पुत्री थी ताड़का वैसे डिटेल में इतना नहीं आपसे पूछेगा आज कक्षा पांच में खाली बेसिक आपको पता होना चाहिए बात करते हैं हमारे अगले चैप्टर जो की है आपका ईदगाह ईदगाह आप देखेंगे तो यहां पर आपको देखने को ये मिल रहा है खिलौने वाले के बाद सबसे पहले बताया गया रमजान के पूरे तीस रोजों के बाद ईद आई है तो यहाँ पर सबसे पहले कैरेक्टर महमूद की बात की गई है जिसमें लिखा है एक दो दस बारह उसके पास बारह पैसे हैं और मोहसिन की बात की गई जिसके एक दो तीन आठ नौ पंद्रह पैसे करके हैं और इन्हीं अनगणित पैसों में अनगिनत चीजें कह रहे हैं वो लाएंगे खिलौने मिठाइयाँ बिगुल गेंद और जाने क्या क्या लाएंगे और सबसे ज्यादा जो फेमस कैरेक्टर है इसमें वो है हामिद हामिद अपनी बूढ़ी भूड, दादी अमीना की गोद में सोता है और हामिद के पाओं में जूते नहीं हैं सिर पर एक पुरानी धुरानी टोपी है जिसका गोटा काला पड़ गया है हामिद की दादी का नाम क्या है अमीना गांव से जो है मेला चला बच्चों के लिए साथ हामिद भी जा रहा था कभी सब के सब दौड़कर आगे निकल जाते फिर किसी पेड़ के नीचे खड़े होकर और लोगों का इंतजार करते थे फिर वो जो है यहाँ से निकलते हैं तो यहाँ पर ईदगाह नजर आया उनको और नमाज खत्म हो गई थी लोग आपस में गले मिलते हैं इसमें मिठाई और खिलौनों की दुकान पर धावा ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं था मतलब बड़े छोटे सभी सबसे पहले यहाँ हिडोला या झूला के लेकर के बताया गया कि आसमान में उड़ता हुआ देखने को मिलता है कभी जमीन पर गिरता हुआ ये चरखी है इसके अलावा सवारी हाथी घोड़े ऊंट की एक पैसा देकर बैठ सकते हैं पच्चीस चक्करों का मजा ले सकते हैं महमूद और मोहसिन और नूरे और सम्मी ये सब घोड़े गोड़, घोड़े और ऊँट पर बैठते हैं पर हामिद जो है वो नहीं बैठता है तीन ही पैसे तो उसके पास है ही है तो अपने कोस का अगर एक तिहाई वो जरा सी चक्कर में गवा नहीं सकता वो यहाँ बताया गया है सब चरखिया से उतरते हैं अब लगे उधर दुकानों की कतार भी लगी हुई थी तरह तरह के खिलौने थे जिसमें सिपाही गुजरिया राजा वकील धोबिन साधु इस तरीके के कितने सुंदर खिलौने अब इसमें महमूद जो है सिपाही खरीद रहा है खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला कंधे पर बंदूक रखे हुए जो मोहसिन था उसको भिस्ती पसंद आ गई कमर झुकी है ऊपर मसक रखे हुए मसक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए इस तरीके से मशक से पानी उड़ेलना चाहता है नूर जो है उसको वकील से प्रेम है ये सब खिलौने खरीद रहे हैं और पूरी वकील के यहाँ दे रखी विशेषता जेब में घड़ी सुनहरी जंजीर इस तरीके से और किसी अदालत में पैसों बहस करते हैं तो यहाँ पर फिर बताया गया कि सब यहाँ सब दो दो पैसे के खिलौने हैं और हामिद के पास कुल तीन पैसे हैं ध्यान दीजिएगा जितनी भी चीजें हैं हामिद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है तो इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले ले खिलौना कहीं हाथ से छूटे पड़े तो चूर चूर ना हो जाए जरा पानी पड़े तो सारा रंग धुल जाए ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा हामिद ने कहा लेकिन ललचाई हुई आंखों से खिलौने को देख जरूर रहा था उसके बाद नंबर आता है मिठाइयों का किसी ने रेवड़िया ले ली किसी ने गुलाब जामुन ले लिया सोहन हलवा ले लिया सभी मजे से खा रहे थे मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें लोहे की चीजों की भी थी कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की थी लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था वो सब आगे बढ़ते चले गए हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है कई चिमटे रखे हुए थे उसे ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है तबे से रोटियां उतारती हैं हाथ जल जाता है अगर वो चिमटा लेकर को दे दे तो कितनी होंगी फिर उनकी उंगलियां कभी ना जलेंगी घर में एक काम की चीज हो जाएगी और खिलौने से क्या मिलेगा ये उस पूरे कहानी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए सबील पर ऐसे करके शरबत पी रहे थे बाकी यहाँ लिखा है मिठाइया मुग सड़ेगा फोड़े पहुंचा निकलेंगी आपकी जवान चटोरी हो जाएगी सबके सब, सब हंसेंगे कि हामिद ने चिमटा लिया है हंसे मेरी बला से मतलब वो मन में सब चीजें सोच रहा है कि हंसे मुझे क्या फर्क पड़ता है उसने दुकानदार से कहा ये चिमटा कितने का है दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ ना देखकर कहा ये तुम्हारी काम की नहीं चीज है अब ये देखिए नीचे कैसे मेले में अलग अलग चीजें बिक रही हैं आगे बात करते हैं तो बिकाऊ है कि नहीं उसने पूछा हामिद ने बिकाऊ क्यों नहीं है यहाँ क्यों ला लाए हैं और यहाँ लाए क्यों हैं तो बताते क्यों नहीं कि कितने पैसे का है अरे पैसे लगेंगे हामिद का दिल बैठ गया क्योंकि उसके पास तो पांच पैसे लगेंगे लेना हो तो नहीं तो आगे बढ़ो तो हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा तीन पैसे लोगे तो ये कहता हुआ आगे बढ़ गया कि दुकानदार की घुड़कियां ना सुने लेकिन दुकानदार ने घुड़कियां नहीं दी बुलाकर चिमटा जो है वो दे दिया हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो कोई बंदूक हो और शान से करता हुआ एकदम दोस्तों के साथ चल दिया जरा सुने सबके सब क्या आलोचनाएं करते हैं मोहसिन ने कहा ये चिमटा क्या लाया पगले इससे क्या करेगा हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा जरा अपनी भिस्ती जमीन पर गिरा कर दिखाओ जो तुम खिलौना लेकर के हो सारी पसनियां चूर चूर हो जाएंगी महमूद बोला ये तो चिमटा कोई खिलौना है हमें खिलौना क्यों नहीं है अभी कंधे पर रखो बंदूक हो जाएगी हाथ में लोगे तो फकीरों का चिमटा हो जाएगा चाहूं तो इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूं एक चिमटा जमा दो तो तुम लोग के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी तुम्हारे खिलौने कितने हैं क्या जोर लगाएंगे मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते हैं मेरा बहादुर शेर है चिमटा सम्मी ने खजरी ली थी प्रभावित होकर बोला मेरी खजरी से बदला लोगे दो आने की है बदला नहीं बदलोगे मतलब ये खजरी ले लो और चिमटा दे दो दो आने की है ने खजरी की ओर उपेक्षा से देखा मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खजरी का पेड़ पेट फाड़ डाले बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी ढप बोलने लगी जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए मेरा बहादुर चिमटा आग पानी आंधी तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा अब चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया कि अरे ये क्या ले आया हमारा दोस्त लेकिन सब पैसे किसके पास धरे थे सबके तो खर्च हो गए मेले में अब सबको घर पहुंचने की जल्दी हो रही थी बाप से भी जीत करे तो चिमटा नहीं मिल सकता हामिद है बड़ा चालाक इसलिए बदमाश ने अपने पैसे बचा रखे थे अब बालकों के दो दल हो गए थे एक और मिट्टी है दूसरी और लोहा है अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिस्ती के छक्के छूट जाए मिया सिपाही ये उसने सिपाही खरीदा था खिलौनों में इसलिए उसकी विशेषता बताई गई है कि मिट्टी की बंदूक छोड़कर भागे और वकील साहब एक ने खरीदा था ना तो उसकी नानी मर जाए चोगे में मुंह छुपाकर जमीन पर लेट जाए मगर ये चिमटा बहादुर है रुस्त तो में हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा उसकी आंखें निकाल लेगा अब मोहसिन ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा अच्छा पानी तो नहीं भर सकते ना चिमटे में हामिद ने चिमटे को सीधा करके कहा भिस्ती को एक और डांट बताएगा तो दौड़ा हुआ पानी ला करके द्वार पर छिड़के लगेगा डा, डाट डांटते नहीं चिमटा दिखा करके ऐसा ऐसा काम करके लाओ उसको लेकर अब मोहसिन फिर से परास्त हो गया पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई अगर बच्चों पकड़े जाए तो अदालत में बंदे बंदे फिरोगे अब वकील साहब के पैरों बढ़ोगे अब हामिद ने इसका जवाब ये दिया कि हमें पकड़ेगा कौन है हमने पकड़ने कौन आएगा नूर ने कर कर कहा सिपाही बंदूक वाला आएगा हामिद ने मुंह चढ़ाकर कहा यह बेचारा हम बहादुर रिस्त में हिंद को पकड़ेंगे अच्छा लाओ अभी जरा कुश्ती हो जाए इसकी सूरत देखकर दूर से भागेंगे पकड़ेंगे क्या बेचारे बाकी उसने अपनी विशेषता बताई कि आग में कूद सकता है बाकी अलग अलग कंपेरिजन बताया गया है ये देखिए यहाँ पर कंपेरिजन बताते हुए किसी ने क्या लिया है इसने चिमटा लिया है ये गुड, गुड, सिपाही लिए थे एक वकील लिए थे बाकी और बहस को लेकर के बताया गया ना कि बावर्ची खाने में आपका चिमटा पड़ा रहेगा उसने कहा नहीं उन्हें जमीन पर पटक देगा बाकी को कानून उनके पेट में डाल देगा इस तरीके से बाकी लास्ट में इसमें बता दिया कि औरों ने तीन तीन चार चार पैसे खर्च किए मोहसिन महमूद नूरे और सम्मी और बाकी कुछ ऐसा खरीद ना सके लास्ट में ये भी इसमें लिख दिया इन्होंने कि अब उसको उनको कोई आपत्ति नहीं है हामिद ने तीन पैसे लेकर रंग जमा लिया दोस्तों में होता है ना बाकी इन्होंने थोड़ी थोड़ी देर के लिए हाथ में कहा कि भैया थोड़ी देर हमें भी दिखा दो अपना चिमटा तो चिमटा बारी बारी से सबके हाथों में गया और खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में आया भैया कोई बात नहीं हमने खरीदा नहीं कम से कम तुम भी देख लो चिमटा हम भी जो है वो खिलौने देख लें बाद में रास्ते में जब वह लौट रहे थे महमूद को भूख लगी बाप ने उनके केले खाने के दिए थे पर हामिद को ही केवल उसने अपना साझा बनाया था बाकी दोस्त मुंह ताकते रह गए अब जैसे ही सब घर पहुंचे तो भैया मेले वाले जितने लोग थे सब वापस आ गए जैसे मोहसिन की जो छोटी बहन थी दौड़ कर भिस्ती लेकर के हाथ से छीन लिया बाद में भाई बहन में बहुत मारपीट हुई कि मैं खिलौना लूंगी खूब रोए भी अम्मा शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को दो चार चाटे लगा दिए सेम ऐसे ही मियाँ नूरे के वकील का भी अंत हुआ इसमें भी आप देखेंगे तो जो उनका वकील वो खरीद के लाया था ना उसने उसको बिछा करके कालीन पर बिछाया वहां पर उसको रखा पंखा जैसे उसको डुलाया पता नहीं कहाँ से पंखा की हवा से या आपका उसकी पंखे की चोट से वो मिट्टी में मिल गया फिर क्या था भैया वकील साहब की अस्थि घूरे पर डाल दी गई मतलब वो टूट गया अब महमूद के सिपाही को लेकर बताया गया सिपाही को इन्होंने क्या किया टोकरी में रखा और टोकरी के ऊपर चिथड़े उन्होंने कुछ बिछा दिए और क्या किया चक्कर लगाने लगा जैसे होता ना कि सिपाही सुरक्षा का काम करता है फिर क्या था एक ठोकर लगी और वो जो है वो ठोकर गिर गई और भैया के सिपाही जो है वो टूट गए तो वो भी इनका चला गया अब बारी आती है हामिद की आवाज सुनते ही दौड़ पड़ी कौन अमीना और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी उसके हाथ में चिमटा देख वो चौंक गई ये चिमटा कहाँ था मैंने मोल लिया है कितने पैसे में तीन पैसे दिए हैं अमीना पर ने छाती पीट ली ये कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुआ कुछ खाया ना पिया लाया क्रोध तुरंत में बदल गया बच्चे में इतना त्याग कितना सद्भाव कितना विवेक दूसरे को खिलौने लेते और मिठाई खाते देख उसका मन कितना ललचाया होगा वहां भी उसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही तो अमीना जो थी ये दादी का नाम है इनका मन गदगद हो गया वो रोने लगी दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती हैं, और आंसू की बड़ी बड़ी बूंदे गिराती जाती थी तो ये किसने लिखी है प्रेमचंद जी ने लिखी है हो गई हमारी समाप्त अच्छे से आपको समझ में आई होगी पढ़ते हैं अब हमारे अगले की तरफ हवाई छतरी वीडियो सभी लोग लाइक कर दीजिएगा ढेर सारी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है हवाई छतरी समान एक रुमाल धागे के चार टुकड़े और एक पत्थर बनाने का तरीका यहाँ पर लिखा है कैसे कैसे बना सकते हैं बाकी इसमें ऐसा कुछ खास नहीं याद करने वाला मेन आपका अगला चैप्टर है नन्हा फनकार करके अब ये नन्हा फनकार जो है यहां पर लिखा है वह लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया और उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुड़ गया और ध्यान दीजिएगा ये कहानी है जैसे अभी हमने ईदगाह देखा था वो आपको कहानी के रूप में राख की रस्सी लोक कथा थी फसलों के त्योहार लेख था खिलौने वाला या वो कविता थी अब बात करते हैं इसकी नन्हे फनकार यहाँ पर लिखा है एक लड़का एक चौकोर लाल पत्थर के पास बैठ गया उसने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई और छेनी हथौड़ा उठाकर अपने काम में जुड़ गया उसने क्या किया था उस पत्थर पर कुछ दिन पहले ही घंटियों की कतारें और कड़ियां उत्केरना शुरू किया था लड़के ने एक अधबनी अधूरी घंटी पर छेनी की नोक टिकाई और सावधानी पूर्वक हथौड़े से घंटी पर नक्काशी करने में जुड़ गया हथौड़े के बाढ़ से क्या हुआ पत्थर पर जो कटाव भरता था उससे पत्थर की तिरचे छित्रा जाती थी आंखें सिकोड़ लेता था साथ ही साथ धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाने भी लगता था उसके चारों ओर दूसरे संगत राज भी अपने अपने काम में डूबे रहते थे केशव जो है वो दस साल का था अभी अपने काम सीख ही रहा था पिता के एक बार करके दिखा देने पर सीधी लकीरों वाला और घुमावदार डिजाइन वो उकेर सकता था जितनी भी उसने काम किए थे उसमें घंटिया बनाना सबसे मुश्किल काम था पत्थर पर डिजाइन जो बनाई जाती है ना उसको लेकर के ने ये भी लड़के ने पूरा तरीके से क्लियर था उसको कि एक ना एक दिन वो बहुत बारीक जालियां महीन नफीस बेल बूटे कमल के फूल लहराते हुए सांप ये सारी चीजें जो है पत्थर पर उकेर पाएगा ठीक उसी तरीके से जैसे उसके पिताजी जो है वो बनाते हैं जैसे ये देख रहे हैं पत्थर पर डिजाइन बना रहा है ये भी यहाँ लिखा हुआ है कि जब उसके पिताजी गुजरात से आगरा आकर बसे थे बादशाह अकबर उस वक्त आगरे का किला बनवा रहे थे और केशव के पिता को यही काम मिल गया था आगरे का जो किला है वहां पर केशव के पिता थे वहां पर उन्होंने काम किया था ये साइड में आप आगरे का किला देख भी सकते हैं और केशव का जन्म भी यही आगरे में ही हुआ था उसे गुजरात के पुस्तैनी गांव जाने का तो कभी मौका ही नहीं मिला बताया ना मैंने कि गुजरात से आगरा वो आ गए थे कभी मौका ही नहीं मिला आगरे की गलियां और अब सीकरी बस यही उसका घर था चारों ओर छेनी हथौड़ी की ठकठक खड़खड़ के बीच केशव जो है और कुछ नहीं सुनाई देता था बाकी ये भी लिखा है अचानक कानों में एक आवाज पड़ी मासा अल्लाह ये घंटियां कितनी सुंदर है तुमने खुद बनाई है पीछे मुड़ कर केशव ने आंखें उठाई तो एक आदमी दिखा बेशक मैंने ही घंटियां बनाई है क्या आपको पत्थर पर नक्काशी करते नजर नहीं आ रहा देखते नहीं मैं पत्थर को तराश रहा हूँ केशव ने बड़ी तलखी से जवाब दिया दिखता तो है पर तुम इतने छोटे लगते हो ना वो आदमी हंसते हुए बोला मैं दस साल का हूँ दस अच्छा वो आदमी पास पड़े पत्थर पर बैठते हुए बोला अब तो काफी बड़े हो मैंने भी तेरह साल की उम्र में एक लड़ाई में हिस्सा लिया था जो केशव है उस आदमी को अच्छी तरीके से देख पा रहा था उसकी उम्र रही होगी लगभग तीस से ऊपर कद कदमझोला था सफेद अंगरच्छा या पाजामा पहने हुए उसके लंबे बाल गहरे लाल रंग की पगड़ी में अच्छी तरीके से ढके हुए थे लगता था कोई बड़ा आदमी है केशव ने क्या किया उस आदमी के गले में पड़ी पड़े, बड़े, बड़े बड़े जो मोती हैं उनकी माला और उंगलियों की अंगूठियों को देखते हुए सोचा की तीखी नाक बड़ी बड़ी आंखें फोटो को ढकते हुए नीचे की तरफ आती घनी मूछे बाद में जो आदमी उसने नक्काशी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस लड़ी में अभी काम काफी बाकी है इसलिए पहले की केशव कोई जवाब देता उसने किसी के तेजी से दौड़कर आने की आवाज सुनी और यहां और कोई नहीं महल का पहरेदार था हुजूर माफ करें मुझे आपके आने का पता ही नहीं चला हाफते हुए उसने कहा फिर वह मुड़कर भौचक से खड़े केशव को घूरते हुए बोला बेकूफ खड़े हो हुजूर आला के सामने बैठने की जरूरत कैसे की तूने झुक सलाम कर अब केशव का माथा ठनका उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था बदहासी में छेनी हाथ से छूट नीचे गिरी और जल्दी से उठकर खड़ा हो गया अरे कहीं ये बादशाह अकबर तो नहीं है ये ख्याल आते उसने झुककर सलाम किया और खरगोश की सी कता, कातर नजरों से अखबार को देखने लगा अब अकबर को पहरेदार की यह दखल अंदाजी भली नहीं लगी उसने खींच कर पहरेदार को वहां से जाने का इशारा करते हुए कहा ठीक है सिपाही कुछ देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो पहरेदार तो चला गया मगर केशव असमंजस में था कि उसे क्या करना चाहिए वापस अपना नक्काशी का काम शुरू करे या बादशाह के हुक्म के इंतजार में वो खड़ा रहे और वो अंदर से डर नहीं रहा था क्योंकि अकबर जो है वो प्यार से उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे ये 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 एक पिक्चर आप देख सकते हैं हैं अकबर है, लड़का है केशव जो पत्थर पर वो आपका डिजाइन बना रहा था और इसी को लेकर के उसने ऊपर स्टार्टिंग में हमने बताया था ना कि वो आगरा में जब से स्टार्टिंग में रह रहा है और अकबर ने पूछा बेटा तुम्हारा नाम क्या है केशव ने नपातुला जवाब दिया केशव क्या तुम मुझे नक्काशी करना सिखाओगे उलझन में केशव ने तुरंत सिर हिला दिया तब तो तुमने तुम्हें मेरे लिए हथौड़े और छेनी का भी इंतजाम करना होगा केशव फुर्ती से अपने पिता के पास गया और छेना हथौड़ी उठा करके उल्टे पाव भाग गया दोस्ताना अंदाज में अकबर जो है केशव के पास जमीन में बैठ गया और पास में पड़े पत्थर को खींचते हुए बोले ठीक है अब बताओ कि मुझे क्या करना है केशव ने संदेह भरी नजरों से अकबर की ओर देखा हुजूर क्या आप यह सब करेंगे क्यों नहीं मुझे तो विश्वास है कि मैं सीख ही लूंगा नहीं नहीं मेरा मतलब ये नहीं था कि सब पका गया दरअसल मैं कहना यह चाहता हूँ आप इतने बड़े ठीक नहीं लगता है उसने कुछ अनमने भाव से कहा अकबर हंसकर बोले कि अच्छा लेकिन पिछले हफ्ते तो मैंने मिट्टी से भरी जो है ढोने में किसी की मदद की थी क्या यह काम उससे भी ज्यादा मुश्किल है केसव आप असंजस में पड़ गया वो अकबर के पास बैठ गया और उसने छेनी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा फिर जैसे कि केशव के पिता ने उसे सिखाया था उसने कोयल कोयले के टुकड़े से पत्थर पर लकीरें खींचकर एक आसान सा नमूना बनाया देखो इन इन्हीं लकीरों को बहुत ध्यान से तराशना है अकबर ने पत्थर पर छेनी रखी और जोर से हथौड़े से वार किया जिससे क्या हुआ कटाव बहुत ज्यादा गहरा हो गया अरे नहीं नहीं केशव ने तुरंत गलती पकड़ी हथौड़े को आपको धीरे धीरे से मारना है ऐसे उसने सिखाया और हाँ अपनी आंखें थोड़ी नीच कर रखे वरना किरचे उड़कर आंखों में जा सकते हैं अकबर अब मुस्कुराए जी हजूर बिल्कुल जवाब में केशव भी मुस्कुरा दिया वो भूल गया था केशव उस समय कि वो व्यक्ति हिंदुस्तान का बादशाह है फिर अकबर जो है वो काम करते करते पूछ बैठे केशव सही है ना ये तो केशव से अपनी असहमति जता देता था इन सब चीजों में उनको ये पता ही नहीं चला कि आसपास बड़े बैठे सब लोग उसको देख रहे थे दोनों को बाकी अकबर ने यह भी गौर किया कि केशव पत्थर पर बने नमूनों को नहीं तराश रहा था अपनी तरफ से उसमें कुछ जोड़ रहा था वो और ज्यादा खूबसूरत लग रहे थे अब लड़के के काम करने के अंदाज को देखकर अकबर ने कहा देखे देखना, तुम एक दिन बहुत बड़े फनकार बनोगे हो सकता है एक एक दिन तुम मेरे कारखाने में काम करो कारखाना कारखाना कैसा बस कार बार ये महल तैयार हो जाए और लोग आगरा से आकर यहाँ बसने लगे अब मैं कारखाना बनाऊंगा तब फिर मैं कारखाने में, में मेरी सल्तनत के सबसे बढ़िया फनकार और शिल्पकार का काम जो है वो करेंगे जैसे चित्र बनाने वाले कलाकार गलीचों पर के बुनकर होते हैं संगीत संगत रास है पत्थर और लकड़ी पर नक्काशी करने वाले शिल्पकार केशव का चेहरा भैया चमक उठा जरूर जरूर मैं बिल्कुल काम करूंगा अकबर वहां से जा चला गया कहा कि भैया अपना ठीक है तुम काम करो केशव ने पर पूछा कि हुजूर क्या आप दोबारा आएंगे केशव ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि उन्होंने कहा जरूर आऊंगा केशव वो भैया चले गए बाद में वो खूब खुश रहा सबको बता रहा कि भैया हम तो राजा से मिले हैं रात हो गई नींद उसको नहीं आ रही बिस्तर में घुस गया पर नींद नहीं आ रही बादशाह ने कहा कि भैया मैं बहुत बड़ा कलाकार बनूंगा पिता के जो है वो बाहों के पर सिर रख करके सोया और बोला लेटा मतलब और बोला कि बिल्कुल पिता की पिताजी बादशाह बहुत नेक इंसान है पिता ने भी कहा कि भैया बिल्कुल बहुत अच्छे हैं फिर एक क्वेश्चन पूछा उसने कि बादशाह के पास तो आगरा में एक से बढ़कर एक खूबसूरत महल है फिर वे सीकरी में क्यों शहर बनवा रहे हैं तो पिताजी ने कहा हाँ बेटा बादशाह का आगरा बहुत सुंदर है पर सीकरी में नया शहर बनवाने का भी एक खास कारण है मैंने ये सुना है कि जब बादशाह अकबर की कोई संतान नहीं थी उस वजह से वो हर वक्त परेशान रहते थे बहुत से साधु संत और फकीरों के पास भी गए भटकते भटकते बादशाह ख्वाजा सलीम चिश्ती के पास सीकरी गए और उन्होंने ही बादशाह को बताया कि उनके पास एक नहीं तीन तीन संतानें होंगी इसलिए वो जो है वो बनवा रहे हैं कहाँ बनवा रहे हैं सीकरी में बनवा रहे हैं फतेहपुर सीकरी जानते हैं ना आगरा के नजदीक ही है तो उसी को लेकर बताया गया तो बादशाह ने ख्वाजा सलीम चिश्ती के सम्मान में ही सीकरी में नगर बनाने का बसाने का फैसला किया था अब केशव ने कहा अच्छा अब समझ में आया इसलिए बादशाह अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा है ये याद रखिएगा बादशाह अकबर के बेटे का नाम सलीम देखिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं ये लिखा ना, ये है ना माशा अल्लाह घंटिया कितनी सुंदर हैं तुमने खुद बनाई हैं बादशाह अकबर ने ये बात किस लिए कही होगी केशव के काम की, की तारीफ में कही होगी जानने के लिए घंटिया कितनी सुंदर हैं केशव से बातचीत शुरू करने के लिए या घंटिया किसने बनाई है ये जानने के लिए या फिर उन्हें ये यकीन नहीं था कि दस साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटिया बना सकता है या कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो इसमें एक से अधिक भी आंसर हो सकते हैं ए बी बी सी करके ऐसे चलिए अगला जो चैप्टर है जहां चाह वहां रहा लेख है आपका ये इसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहां पर मलमली धोती का बादामी रंग खिला हुआ था किनारों पर जो है आपको कसूती के टाके जो है वो आपका पिरोई हुई बेल थी पल्लू भर व टाके अपना कमाल दिखा रहे थे सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी तो उस मलमल में और इन बेल बूटे को सजाया गया था इला सचानी से ये किसने सजाया था इला सचानी ने इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने यहाँ पर यह चित्र दिखाया गया है इला को, जो है सचानी जिन्होंने बेल बूटों को सजाया है और कैसे ये धोती जो है उसका रंग और ज्यादा खिल गया है वो यहाँ पर बताया गया है छब्बीस साल की इला है कहाँ की रहने वाली है गुजरात के सूरत जिले में रहती है बचपन इनका अमरेली जिले के राजकोट गाँव में अपने नाना के यहाँ जो है वो बीता था सांझ होते ही मोहल्ले के जो बच्चे होते हैं वो घरों से बाहर आ जाते हैं मोहल्ले के बच्चे अलग अलग कार्य करते हैं जब घर से बाहर आते हैं कोई लकीरें खींचता है कुछ जो है वो गिट्टे खेलते हैं कुछ इधर उधर जो टूटे फूटे घड़े गड़ है, हैं घड़े हैं उनको ठीकरे बटोर कर पिट्ठू खेलते हैं इस तरीके से लिखे हुए हैं बाकी कुछ ये भी लिखा है पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते हैं ऊपर तक जाता है ना झूला और इस तरीके से गीत गाते हैं कि कच्चे नीम की नीम सावन जल्दी रे इला इन सबका साथ तो देती है मगर पेंगे जो है वो नहीं खेलती है रस्सी जो है वो पकड़ने को हाथ हाथ बढ़ाती मगर हाथ उसके उठते नहीं थे अभी ऊपर मैंने एक चित्र दिखाया ना वो चुपचाप एक किनारे बैठ जाती थी मन ही मन सोचती थी मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ जो ये स्थानीय खेल होते हैं ना जैसे पकड़म पकड़ाई ये सब खेल लेती थी पर जब हाथ से पकड़ने की धप्पा जिसको बोलते हैं उसकी बारी आती थी तो वो निराश हो जाती थी क्योंकि धप्पा दे कैसे दे पाएगी हाथ जो है वो तो उसके चलते नहीं थे इसलिए सारा काम वो पैरों से जो है वो करती थी जैसे दाल भात खाना है दूसरों के बाल बनाना है फर्श बुहाराना कपड़े धोना ये सारे काम वो पैरों से करती थी स्कूल में फिर उसका एडमिशन हुआ वहां पर कुछ काम तो बहुत तेजी से कर लेती थी जिसको लेकर दंग लग जाए लोग रह जाते थे और कुछ में बहुत ज्यादा उसको समय लगता था परेशानी होती थी उसने दसवीं कक्षा तक पढ़ाई की और दसवीं की परीक्षा पास वो नहीं कर पाई थी उसे परीक्षा जो है उसमें एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिला था उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी नहीं मिल पाई थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके जानकारी इलाका समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा होता मतलब ऐसा भी है हमारे जो संविधान में कि अगर आप डिसबिलिटी से रिलेटेड में किसी में आ रहे हैं तो आप किसी एक व्यक्ति को साथ में ले जा सकते हैं जैसे केवीएस के पेपर में आपने देखा होगा आगे लिखा है कि उसकी माँ और दादी कसीदा कार्य करती थी वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियाँ उकेरते हुए देखती थी और उसने भी ठान लिया कि भैया अब कसीदाकारी वो करेगी पैर के जो अंगूठे हैं उसका उसने सहारा लिया उससे सुई थाम कर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था पर कहते हैं ना जब कोई चीज़ आप ठान लें तो फिर वो हो करके ही रहती है पंद्रह सोलह साल की जब इला हो गई तो वो कसीदा कारी में माहिर हो चुकी थी किस तरीके के नमूने बनाने हैं टाके लगाने सब सीख गई थी एक टाइम ऐसा भी आया कि जो परिधान बनाती थी, थी उनकी प्रदर्शनी प्रदर्शनी भी लगने लगी जिसमें काठियावाड़ के साथ लखनऊ और बंगाल में भी झलक जो है वो दिखती थी इसमें काठियावाड़ के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल में जो है वो होते थे पत्तियों को चिकनकारी से सजाया जाता था डंडियों को कांथा से उभारा जाता था पशु पक्षी की ज्यामती आकृति उसमें जो है वो उभेरी जाती थी और ये एक चित्र दर्शाता है कि इला कभी भी अपने जीवन में रुकी नहीं तो ये पूरा चैप्टर था जैसे यहाँ पर सही गलत आया ना कि परीक्षा के लिए उसने अच्छी तरीके तैयारी नहीं की थी ऐसा तो नहीं तैयारी की थी और उसको समय नहीं मिला था ना उस हिसाब से लिखा है परीक्षा पास नहीं करना चाहती तो गलत है क्योंकि वो तो चाहती थी तभी पेपर दिया था उसने लिखने की धीमी होने के कारण वो प्रश्न पत्र पूरे नहीं कर पाती थी ये सही था उसकी पढ़ाई करना कभी अच्छा नहीं लगा ऐसा भी गलत था तो इस तरीके से आपसे बहुत से क्वेश्चन इन्हीं कहानियों के बीच से बन सकते हैं तो इसीलिए मैं आपको कहानी पढ़ा रहा हूँ कोई टाइम पास नहीं करा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको दो दो लाइनों में बता दू कहानी वो किया जा सकता है पर जब क्वेश्चन कहानियों से बनना है तो फिर आपको कहानी पता होना चाहिए कहानी के किसी भी कैरेक्टर से उनके राइटर से उनके चैप्टर के नाम से अगला है बात का सफर और ये कोई कहानी या कुछ भी नहीं है केवल इसमें बताया गया कि कैसे आप इधर से उधर चिट्ठी भेजते थे डाकियां जो है इनकी कहानी कुंवर सिंह की जुबानी ये अभी आगे आपको चैप्टर देखने को मिलेगा भी अगला चैप्टर है आपका पत्र करके इसमें लिखा है पत्र मिला सत्रह जनवरी को तारीख वैसे नहीं पूछी जानी चाहिए आपसे और इसमें ये लिखा था तुम प्रतियोगिता में भाग ले रही हो ये पढ़कर उसको अच्छा लगा और ये भी लिखा है कि लेकिन एक बात ध्यान रखना कि अगर जीत जाना तो घमंड मत करना प्रथम ना आने पर मन छोटा मत करना जीत अपने आप में इंपॉर्टेंट है और तुमने सेंट और डॉलर की फरमाइश की थी बाहर चलती ना विदेशों में वहां से मैं वो जरूर मैं लाऊंगा लेकिन मेरा ख्याल ये है कि घर में अमेरिकी सिक्के और नोट होने चाहिए असमी का दाखिला तुम्हारे स्कूल में हो गया है ये अच्छा हुआ तुम्हें अब तुम्हें एक दूसरे से भिड़ने स्नेह का आदान प्रदान करने के लिए शाम का इंतजार नहीं करना पड़ेगा इस तरीके से नरेंद्र नाथ जो है इनकी ये कविता है एक टाइप से आप कहेंगे पत्र टाइप का है अब अगला चैप्टर है चिट्ठी का लेख जो कि आपका क्या है एक प्रकार चिट्ठी का सफर जो कि आपका लेख है इस चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं इसमें बताया गया है कि अपनी दस बारह साल की जिंदगी में तुमने पत्र तो देखे ही होंगे पत्र तो सही जगह पहुंचने के लिए क्या जरूरी है सबसे पहले ठीक पता लिखा होना बाकी यहाँ एक पत्र दिखाया गया है जिसमें बताया गया है कि डाक टिकट लगा होना चाहिए सही एड्रेस लिखा होना चाहिए पिन कोड होना चाहिए इधर साइड आपको डिलीवरी है उसका नाम वगैरह दे रखा है जो पत्र है उसके बारे में लिखा हुआ है ये दोनों पत्र अलग अलग हैं कैसे भिन्न है वो यहाँ नीचे बताया गया है ये दोनों पते किस तरीके से भिन्न है गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह पर लिखा है महात्मा गांधी जहाँ हो वहां वर्धा जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है तो पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़े की ओर आप बढ़ते हैं और छोटी से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह है कि घर के नंबर के बाद फिर गली मोहल्ले का नाम फिर गांव फिर कस्बे फिर शहर का नाम इस सीरियल से आप चलते हैं और लास्ट में आप देखेंगे तो गांव या शहर के नाम के बाद आपको पिन कोड भी जो है वो लिखना होता है आप कहेंगे पिन कोड की क्यों आवश्यकता पड़ी क्योंकि हमारे कस्बे या गाँव शहर में कई नाम एक जैसे हैं एक जैसे नाम होने के कारण पिन कोड लिखने में वो गंतव्य स्थान आसानी से छांटने में हेल्प मिलती है पिन कोड की शुरुआत कब हुई थी 15 अगस्त उन्नीस को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के नाम से जारी किया था पिन शब्द नीचे इसके बारे में भी लिखा है पी आई एन पोस्टल इंडेक्स नंबर किसी भी जगह का पिन कोड छ का होता है और उदाहरण के लिए एनसीई को भेजे गए लिफाफे पर अगर पिन कोड की बात करें तो डबल वन डबल जीरो वन सिक्स ये वहां का है अब इसको डिटेल में बताया गया कि अगर स्टार्टिंग का जो वन लिखा हुआ है वो ये दर्शाता है कि पिन कोड दिल्ली हरियाणा हिमाचल प्रदेश पंजाब या जम्मू कश्मीर में से कहीं का होगा अगले जो वन जीरो है ये ये दर्शाता है कि ये दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपक्षेत्र उपक्षेत्र दिल्ली का कोड है उसके दस के बाद जीरो वन करके वन सिक्स आया है, ये दिल्ली उपक्षेत्र के ऐसे डाकघर का कोड है जहाँ से डाक जो है वो बांटी जाती है तो इस तरीके से ये पूरा पिन कोड आपका पता होता है ये भी लिखा है पुराने समय में भैया कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे और उसके बाद आपको एक देखने को मिला जो हरकारों को पैदल जाकर आम आदमी तक चिट्ठी पहुंचाने का काम जो है वो किया जाता था राजा महाराजा जो है उनके पास घुड़सवार वगैरह होते थे उसी को लेकर के उसी को हरकार कहते थे और पहुंचने के साथ साथ डाक की रक्षा करना भी हरकारों का काम होता था जैसे लुटेरे या डाकू जंगली जानवर उनसे जो है वो बच करके पहुंचाना और आजकल देखेंगे तो डाक बांटने के लिए हवाई जहाज पानी के जहाज पता नहीं कौन कौन से साधन लिखा है इस्तेमाल किए जाते हैं डाक विभाग भी पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ई मेल कार्ड आदि जो है वो पहुंचाता है ये भी लिखा है कबूतर जो है कई प्रजातियां होती हैं जो सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती है गृहबाज या हुमर वो प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित काम करके डाक भेजने के काम में लाया जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा यहां से क्वेश्चन बन सकता है हम ऐसे थोड़ा जोड़ सकते हैं कि जैसे कबूतर ले जा रहे हैं ना तो ये चिट्ठी गिरे ना इस तरीके से बाज की बाज की उड़ान बढ़नी होती है उस कबूतर को और ये गिरे ना तो गिरे से गिरह और बाज से बाज है तो गिरह बाज ऐसे नाम याद रख सकते हैं ट्रिक से आगे बात करते हैं तो उड़ीसा पुलिस तार पर हुमर जो आपका कबूतर है उसका इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचने के लिए कर रही है उड़ीसा पुलिस हुमर कबूतर का जो है वो यूज करती है हुमर आप इसको भी ऐसे जोड़ सकते हैं कि उड़ने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए ह्यूमर होना चाहिए ह्यूमर मतलब दिमाग होना चाहिए ना तभी आप पहुंचा पाएंगे ह्यूमर मतलब मतलब होता तो हंसने हास से रिलेटेड है पर उसको थोड़ा सा माइंड से जोड़िए गुड ह्यूमर करके हम कहते हैं ना खुश मिसाक खुश रहने वाला व्यक्ति थोड़ा सा जोड़ना है मेन मिल कैसे भी आप जोड़ लें बाकी इसमें एक कबूतर की कहानी बताई गई जो दूसरे विश्व में संदेश पहुंचाता था इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है किताब का नाम है ग्रे नेक करके, जो कि इस किताब के हीरो का नाम भी है अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहोगे तो नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वह इस किताब को हिंदी में भी छापें। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ग्रे नेक किताब का नाम है जिसमें इस कबूतर की कहानी को लेकर के बताया गया है अगला चैप्टर आपका है डाकि की कहानी कंवर सिंह की जुबानी तो ये जो है आपका भेंटवार्ता है इसको हम क्या कहते हैं भेंटवार्ता भेंटवार्ता मतलब समझ रहे हैं कि अगर आप किसी से मिले और उसके बाद आप इसको लिख रहे हैं वो इसमें आता है तो शिमला की मॉल रोड पर जर्नल पोस्ट ऑफिस है वहीं पर डाक छाटने का काम चल रहा है सुबह के घाट गार साढ़े ग्यारह बजे हैं गुनगुनी धूप छन करके आ रही है धूप का मजा लेते हुए दो पैकर और तीन महिला डाकिया फटाफट डाक छाटने का काम कर रही हैं। वहीं पर मैंने सरकार से पुरस्कार जीतने वाले डाकिया कवर सिंह जी से बातचीत की अब यहाँ पर बातचीत के कुछ अंश दिए गए हैं जैसे आपका शुभ नाम तो मेरा नाम है कंवर सिंह मैं हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के निरवा गांव का निवासी हूं उम्र मेरी पैंतीस साल है 45 साल है फोर्टी फाइव ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली चीज है और ये सरकार से पुरस्कार पाने वाले हैं डाकिया कंवर सिंह आपके परिवार में कौन कौन है तो इन्होंने कहा चार बच्चे हैं तीन लड़कियां हैं एक लड़का है दो लड़कियों की शादी हो चुकी है मेरा एक और बेटा भी था मेरे गांव में एक पहाड़ी से लकड़ियां लाते हुए गिर गया था उसकी मौत हो गई थी आपके बेटे के साथ जो हुआ उसका हमें दुख है आपके इलाके में इस तरह की घटनाएं क्या अक्सर होती हैं जी हाँ ऐसी घटनाएं का होना असाधारण नहीं है देखिए ये बात हो रही कहा हिमाचल प्रदेश की हिम वगैरह बर्फ वगैरह है शिमला वगैरह में समझ रहे हैं तो वहीं की बात है यहाँ हर साल तिरछी ढलान जो है उनसे ढाकों से घसे घास काटते हुए औरतें गिर मर जाती हैं फिर भी यहाँ ऐसे ही रास्तों से चलना पड़ता है क्योंकि दूसरा कोई रास्ता नहीं होता हमारे गांव में भी अभी तक बस नहीं पहुंच पाई है हिमाचल में हजारों गांव ऐसे हैं जहां पैदल चलकर ही आपको पहुंचना होता है फिर आपके बच्चे पढ़ने कैसे जाते होंगे मेरे गांव बच्चे के बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ने जाते हैं स्कूल लगभग पाँच किलोमीटर दूर है मेरी एक लड़की दसवीं तक पढ़ी है दूसरी बारहवीं तक पढ़ी है तीसरी लड़की बारहवीं कक्षा में पढ़ रही है इसके बाद आगे बात करते हैं तो इन्हीं के देखिए साइड में पिक्चर भी देख सकते हैं आप कि आपने जहां काम किया आपके अलावा और कौन कौन है कि आपको डाकिया कह करके बुलाते हैं तो इन्होंने कहा नहीं मैं भारतीय डाक सेवा में ग्रामीण डाक सेवक था और नीली वर्दी वाला डाक सेवक था ये भी आप याद रख सकते हैं और मैं पैकर बन गया हूँ डाक सेवा जो है उसको करना क्या क्या होता है तो मुझे चिट्ठिया रजिस्ट्री पत्र पार्सल बिल बूढ़े लोगों की पेंशन आदि छोड़ने गांव गांव जाना पड़ता था क्या यह सब अभी भी करना पड़ता है क्योंकि अब तो सूचना और संदेश भेजने के लिए बहुत नए तरीके यूज आ गए हैं हैं तो भले आ गए फोन मोबाइल ईमेल वगैरह पर आज भी संदेश पहुंचाने का सबसे बड़ा जरिया डाक ही है इसलिए गांव में लोग डाक का बड़ा आदर और सम्मान करते हैं हमने सुना है कि हमारी डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है ये भला कैसे है आपने बिल्कुल ठीक सुना है हमारे देश की डाक सेवा दुनिया की सबसे बड़ी डाक सेवा है और सबसे सस्ती भी है केवल पांच रुपए में देश के किसी भी कोने में आप चिट्ठी भेज सकते हैं पोस्ट कार्ड तो केवल पचास पैसे का ही होता है जो उस पर चिपकाया जाता है यानी पचास पैसे में भी हम देश के हर कोने में अपना संदेश भेज सकते हैं आपको अपनी नौकरी में मजा तो आता होगा बहुत आता होगा मुझे अपनी नौकरी बहुत अच्छी लगती है मैं जब दूर नौकरी करने वाले सिपाही का मनी ऑर्डर लेकर के उसके घर पहुंचता हूं तो उसके बूढ़े माँ बाप का खुशी मेरा चेहरा देखते ही बन जाता है ऐसे जब किसी की रजिस्ट्री पत्र पहुंचाता हूं तो इसमें कभी कभी रिजल्ट नियुक्ति पत्र होता है तो लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं बूढ़े दादा और बूढ़ी नानी तो पेंशन के पैसे मिलने पर बहुत ही ज्यादा खुश होती हैं छह महीने तक वे मेरे लिए इंतजार करते हैं हिमाचल में बूढ़े लोगों को पेंशन जो है हर छह महीने के बाद इकट्ठा ही दी जाती है उसी को लेकर के लिखा है इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है आगे लिखा है क्या आप शुरू से ही इसी डाकघर में काम कर रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं शुरू में तो मैं लाहौल स्पीति में जिले के किब्बर गांव में तीन साल तक नौकरी की थी मैंने हिमाचल का सबसे ऊंचा गांव है ये लाहौल स्पीति जिले के अंदर इसके बाद पाँच साल तक इसी जिले के काजा में पांच साल तक किन्नौर जिले में नौकरी की और उस वक्त गाँव में टेलीफोन ही नहीं था बसें भी सिर्फ मेन मेन जगह ही चलती थी और कई ऐसे गाँव है जहाँ ना तो बस है ना ही टेलीफोन है ऐसे में ग्रामीण डाक सेवा का बहुत वहां पर मान किया जाता है आप पहाड़ी इलाकों में रहते हैं जाहिर डाक पहुंचाना आसान काम तो नहीं होता होगा हाँ, तो किन्नौर जिले के मुख्यालय डाक का बोरा रखता था और रात को आठ बजे शिमला से आने वाली बस से डाक का बोरा उतारता था और इस तरीके से यह हर जगह ठंडे और ऊंचे जिले इलाकों में जहां बर्फबारी भी होती थी वहां पर भी आपका पैरों को ठंड से बचाते हुए लगभग 26 किलोमीटर डेली चलते हुए एक गांव में आठ से दस या कभी कभी सात घर ही होते हैं इसलिए काफी चलना पड़ता है इसलिए इतना चल करके डाक जो है वो पहुंचाते थे आपने भी बताया कि पहले आप डाक सेवक थे अब पैकर हैं इसके आगे भी कोई प्रमोशन है क्या तो पैकर के बाद डाकिया बन सकते हैं बस एक ही इम्तिहान करना पड़ता है अभी तो काम के हिसाब से हमारा वेतन बहुत ही कम होता है सारा दिन आपको कुर्सी पर बैठ कर काम करने वाले बाबू का वेतन कहीं ज्यादा होता है पैकर का जो वेतन होता है बाबू के जितना ही होता है अब तो डाकिये की नौकरी में भी मुश्किल हो चुका है हमसे जितने डाकिय रिटायर हो चुके हैं उनकी जगह नए डाकियों को नहीं रखा जा रहा है इससे पुराने डाकियों पर काम का बोझ बढ़ता जा रहा है वो भी यहाँ बताया गया काम के दौरान कभी कोई खास बहुत खास बात हुई है हाँ एक घटना हुई थी मेरा तबादला शिमला के जर्नल पोस्ट ऑफिस में हो गया था मुझे रात के समय रेस्ट हाउस और पोस्ट ऑफिस चौकीदारी का काम दिया गया था 1998 की बात है 29 जनवरी जो है उसकी रात लगभग साढ़े दस बजे का समय था बाहर से किसी ने पोस्ट ऑफिस का दरवाजा खटखटाया मैंने पूछा कौन है जवाब आया दरवाजा खोलो तुमसे बात करनी है मैंने दरवाजा खोला तो अचानक पांच छह लोग अंदर घुसे मुझे पीटना शुरू कर दिया मैंने पूछा पुट पीट क्यों रहे हो तो उन्होंने जवाब नहीं दिया सारे ऑफिस की लाइटें बंद कर दी थी इससे पहले मैं कुछ समझ पाता मेरे सिर पर किसी भारी चीज से कई बार मारा जिससे मेरा सिर फट गया मैं लगातार चिल्लाता रहा उसके बाद बेहोश हो गया मुझे पता भी नहीं चला कि अस्पताल में दाखिल मैं हुआ उस दिन मेरा सत्रह साल का बेटा मेरे साथ ही रहता था उसी से पता चला कि मेरे चिल्लाने की आवाज सुनकर लड़का और ऑफिस के दूसरे लोग नजदीक जो है वो ही रहते थे दरवाजों के शीशे तोड़कर अंदर आए मुझे अस्पताल ले गए मेरे सिर पर टाके वगैरह लगे थे आँख और एक आंख जो है उससे विदाई नहीं देता दिखाई नहीं देता इसीलिए बेस्ट पोस्टमैन का अवार्ड मुझे बाद में मिला था 2004 में अवार्ड मिला था पांच सौ रुपये और प्रशस्ति पत्र जो है वो दिया जाता है तो ये प्रतिमा शर्मा करके जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है तो आप समझ गए होंगे पढ़ते हैं हमारे अगले चैप्टर की तरफ वे दिन भी क्या दिन थे ये जो है आपका एक विज्ञान कथा है आपकी विज्ञान कथा अब इसमें बताया गया है घटना महत्वपूर्ण थी वरना कुम्मी अपने डायरी में उसे क्यों लिखती हैं अपनी डायरी में उसने सत्रह मई दो सन इक्कीस पचपन की रात को लिखा आज रोहित को सचमुच की एक पुस्तक मिली है वो पुस्तक बहुत पुरानी थी कुम्मी के दादा ने बताया कि जब वे बहुत छोटे थे तब उनके दादा ने कहा उनके ज़माने में सारी कहानियां कागज पर ही छपती थी पढ़ी जाती थी पुस्तकों तो में प्रश्न होते थे जिन पर कहानियां छपी होती थी और हर प्रश्न लिखने के पश्चात दूसरा प्रश्न पलटकर आगे पढ़ना होता था सारे शब्द स्थिर रहते थे चलते नहीं थे आजकल पर्दे पर तो चलते हैं आजकल आप देखते हैं ना हर चीज का वीडियो फॉर्मेट आता है रोहित ने कहा कि कितनी पुस्तकें तो बेकार चली जाती हैं एक बार पढ़ लिया फिर बेकार हो गई आजकल तो सारी चीजें आपको टेलीविजन पर देखने को मिल जाती हैं तो कुम्मी ने भी रोहित की हाँ में हाँ मिलाई हाँ फिर पूछा तुम्हें वह पुस्तक कहाँ से मिली ऊपर यहाँ इक्कीस करके लिखा ना यहाँ पर कुछ एरर है ध्यान रखियेगा तारीख वैसे भी आपको नहीं याद रखनी मैंने बता दिया ध्यान रखिएगा रोहित को एक पुस्तक मिली कुम्मी जो है अपनी डायरी में उन्होंने कुछ लिखा था वही लिखा है कुम्मी ने भी रोहित की हा में हाँ मिलाई

बैठकर हमें यह सब याद करना होता था वह मशीन हमें बताती थी कि सारा ग्रहकार दूसरे दिन उसी मशीन में डाल देना होता है हमारी जो गलतियां हैं बताकर फिर वह हमें समझाती हैं एक विषय पूरा होने पर वही मशीन हमारी परीक्षा लेकर हमें आगे बढ़ाने आरंभ करती है कहते हैं कि कुम्मी थक गई है अंत में बोली कितना उबाऊ होता है ना ये सारा का काम स्कूल का काम रोहित मुस्कुराते हुए उसकी बातें सुन रहा था अरे बुद्धू जैसे स्कूल का वर्णन इस पुस्तक में है वह इससे भिन्नता होती है उसमें तो उन स्कूलों के बारे में लिखा है जो सदियों पहले होते थे अब कुम्मी जी हैं उनके मन में उत्सुकता कि फिर भी उनके यहाँ मशीन के बने अध्यापक तो होते ही होंगे कुम्मी को याद आया कि एक बार जब उससे भूगोल में रोज वही गलतियां होने लगी थी तो उसकी माँ ने मोहल्ले के अध्यक्ष को बताया था जब एक आदमी आया था और उसने उस मशीन के पुर्जे पुरजे अलग कर दिए थे तब उसने मन ही मन ये मनाया था कि वो आदमी इस बार इस बोर करने वाले अध्यापक को पुनः जोड़ना पाया तो उसे हमेशा के लिए छुट्टी मिल गई यहाँ पर मशीन की जो बात हो रही है ना जैसे टीवी में आप एक चीज देखते हैं उसके बाद नया आ जाता है आपका चैप्टर इस तरीके से टेलीविजन वही लिखा है कि मशीन थकती भी नहीं है एक आपका विषय होने पर वही मशीन हमें फिर से परीक्षा के लिए आगे बढ़ा देती है कुम्मी थक गई थी जो मशीन है उसके भूगोल की चक्की कुछ तेज रफ्तार पर थी तो आपकी लड़की के लिए उसे समझना कठिन हो गया था मैंने उसकी गति को कुछ धीमा कर दिया है तो आशा है अब ठीक रहेगा कुम्मी को उसी समय भूगोल का सबक सीखने बैठ जाना पड़ा मन ही मन वह उसे मशीनी अध्यापक को कोसती कोसती रहती थी रही थी रही तभी रोहित ने कुम्मी के सोचने के सिलसिले को तोड़ा हाँ तब अध्यापक तो होते थे परंतु मसीन नहीं स्त्रियां और पुरुष होते थे क्या कहा कई कोई स्त्री या पुरुष इतने सारे विषय हमें सिखा सकता है क्यों नहीं हम बच्चों को सारे विषय समझाते थे गृह कार्य देते थे प्रश्न पूछते थे अध्यापक बच्चों के घर नहीं जाते थे बल्कि बच्चे जो हैं एक विशेष भवन में जाते थे जिसको हम स्कूल कहते हैं यहाँ विद्यालय की बात करके कि क्या बच्चे एक समय में एक जैसी चीज हाँ एक आयु के बच्चे एक साथ बैठते हैं क्लास में होते हैं ना लेकिन माँ कहती है मशीनी अध्यापक हर बच्चे की समझ के अनुसार पढ़ाता होगा फिर पुराने जमाने में कैसे पॉसिबल होता था तो तब ये लोग इस प्रकार नहीं करते थे रहने दो तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मैं तुम्हें पुस्तक तुम्हें नहीं दूंगा कुम्मी झट बोली नहीं नहीं मैं उसे पढ़ना चाहूंगी

पुस्तकें बर्बाद होती हैं हमने स्टार्टिंग में देखा था ना कि उन्हें पढ़कर फेंक देते हैं कबाड़ी वाले बेच देते हैं यदि पुस्तकें पढ़कर उन्हें हिफाजत सही से रखेंगे हिफाजत से रखेंगे तो कभी बर्बाद नहीं होंगी तो पीढ़ी आप पढ़ सकते हैं कागज के पन्नों की तो कागज की, की पन्नों की किताब पसंद करेंगे क्योंकि इसे कभी भी पढ़ा जा सकता है इतना ही ऐसी किताबों को एक से अधिक बार पढ़ें किस्तों में पढ़ें और सारी बातें टेलीविजन पर आपकी नहीं लागू होती हैं किस्तों में पढ़ने का मतलब समझ रहे दो पन्ने आज पढ़े फिर आगे के पन्ने तुम कागज पर छपी किताबों से पढ़ते हो पता करो कि कागज से पहले की छपाई किस पर हुआ करती थी तो कागज से पहले की जो छपाई होती थी पत्तों पर होती थी और ताम्र पत्तों पर होती थी और लकड़ी पर होती थी तीन चीजें याद रख सकते हैं पत्ते ताम्र पत्ते और आपका लकड़ी तुम मशीन की मदद से पढ़ना चाहोगे या अध्यापक की मदद से दोनों के पढ़ने में किस किस तरह की सरलता और कठिनाई है तो आप क्या कहेंगे मैं अध्यापक की मदद से पढ़ना चाहूंगा क्योंकि हमारे सामने खड़े होकर पढ़ाते हैं पाठ को समझने में हमारी हेल्प करते हैं हम एक बार में कोई बात नहीं समझ पा रहे हैं तो अध्यापक से दोबारा पूछ सकते हैं तो ये चीज इसमें पूरे चैप्टर में बताई गई है तो इस चैप्टर को इसलिए हमने क्वेश्चन से कराया क्योंकि अगर आप वहां पढ़ेंगे चीजों को समझेंगे समझा तो वैसे दिया है पर उससे इतना बेहतर आपकी जानकारी दिमाग में समझ नहीं बैठेगी चलिए बढ़ते हैं अगले चैप्टर एक माँ की बेबसी करके अब इसमें एक कविता को लेकर के जो है वो बात की गई है इस कविता को पढ़ते समय आंखों के सामने कई चित्र बनते हैं बचपन का चित्र बचपन के खास समय खेल और साथियों का चित्र उन साथियों में एक साथ कैसे साथी रतन है उसका एक माँ का चित्र तो उसको लेकर यहाँ बताया गया है कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज है उसे मन में उतारने में काफी समय लगता है यह भी विशेषताएं बताई गई हैं तो हम सीधे कविता पर बढ़ते हैं कि ना जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह खेलने हमारे साथ रतन जो बोल नहीं सकता था खेलता था हमारे साथ टूटे खिलौने की तरह देखने में हम बच्चों की तरह था वह एक ही बच्चा लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था हमसे भिन्न था थोड़ा घबराता भी था हमसे क्योंकि समझ नहीं पाते थे क्योंकि समझ नहीं पाते थे उससे क्योंकि उसकी घबराहटों को ना इशारे में कहीं उसकी बातों को ना उसकी भयभीत आंखों में हर समय दिखती उसकी अंदर की जो छटपटाहट है उसको जितनी देर वो रहता पास बैठा है पास बैठे उसकी मां निहारती है उसका खेलना अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूं उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी तो कुंवर नारायण जो है इनकी ये पंक्तियां हैं और पंक्ति की जो हेडिंग है वो है एक माँ की बेबसी अब यहाँ पर जैसे पहले क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक बच्चा कवि के पड़ोस में रहता था फिर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू होती है मतलब कवि के पड़ोस में ही रह रहा है पर भी कविता अदृश्य पड़ोस से शुरू हो रही है इसका क्या मतलब है तो इसका मतलब था कि कवि को यह नहीं मालूम था कि बच्चा ठीक-ठीक किस घर में रहता है इसलिए अदृश्य पड़ोस से शुरू हुई है बस यही आंसर हो जाएगा पहला वाला अब अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में किस रूप में प्रकट होती है तो यहां पर आप कहेंगे अलग-अलग चमक लिखा है डर के रूप और जल्दी घर लौटने की इच्छा तो डर के रूप में शुरू हुई थी अंदर की छटपटाहट उसकी आंखों में डर के रूप में जो है वो शुरू हुई थी प्रकट हुई थी तरह तरह की भावनाओं को लेकर के यहाँ पर दिया गया है जैसे कब कहाँ महसूस होती छटपटाहट है अधीरता जल्दी हो कहीं जाने की इच्छा किसी के संदेश को पहुंचाना हो इस तरीके से तो वो तो आपको समझ में आ रहा है इन तीनों में से बच्चे पर कौन सा लागू होता है तो छटपटाहट वाला संदेश वाला बच्चे पर लागू होता है कि हम कोई संदेश देना चाह रहे हैं पर दूसरे समझ ना पा रहे हो जैसे शिक्षक से कहना हो कि घंटी बज गई अब पढ़ाना बंद कर दो तो घंटी उन्हें सुनाई ना दे अगर तो ये छटपटाहट उस कविता में ऊपर जो हमने देखी उसमें बताई गई है बाकी जैसे कोई बच्चा बोल ना पा रहा हो तो किस प्रकार की घबराहट महसूस करता है कि सामने वाला समझ पा रहा है कि नहीं या कोई डांट ना दे उसको अब ये हमारा मजा खटोला करके कहानी दी हुई है इसको देखते हैं और हम ये ऐसा करेंगे कि इसका आधा ही हिस्सा देखते हैं यानी मतलब बाकी जो चैप्टर होंगे वो हम एक अलग से वीडियो में देखेंगे क्योंकि हमने दसवें दसवें चैप्टर पर हम पहुंच गए हैं और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बहुत सा बोझ आप पर ना पड़े और आधा फिफ्थ क्लास हम अलग से आपको करा देंगे तो मजा खटोला करके देखते हैं किताब का वह हास्य हंसी की रचनाओं को लेकर के बताया गया किसी बात या रचना में ऐसा क्या है उसे सुनने या पढ़ने में हंसी आ जाती ये है आपका मजा खटोला डायरेक्ट कहानी की तरफ पढ़ते हैं आरिफ सलीम चलो फौरन सो जाओ अम्मी की आवाज एंड उस वक्त आती है जब वे दोस्तों के साथ बैठे कवाली गा रहे होते हैं या फिर सुबह बड़े मजे और आइसक्रीम खाने के सपने देख रहे होते हैं कि आपा झिझोड़ कर जगा देती हैं जल्दी उठो स्कूल का वक्त हो गया है और दोनों की मुसीबत में जान थी हर वक्त पाबंदी हर वक्त तरकरार अपनी मर्जी से चू भी नहीं कर सकते थे कभी आरिफ का गाने का मूड होता था तो भाई जान डांटते चुप होता या नहीं या हर वक्त मेढक की तरह टर्राया जाता है बाहर जाओ तो मम्मी पूछती है बाहर क्यों गए हो अंदर रहते हो तो दीदी चिल्लाती हैं हाय मेरा दिमाग फटा जा रहा है शोर के मारे अरे रजिया जरा इन बच्चों को बाहर हाँक दे जैसे बच्चे ना हुए मुर्गी के चूजे हो गए तो दोनों घंटों बैठकर इन पाबंदियों से बच निकल की तकरीब सोचा करते थे दोनों के बच्चे ये दोनों यहाँ पर जो देख रहे हैं ना इन दोनों के नाम एक का आरिफ है एक का सलीम है अब यहां पर आगे ये कहानी बढ़ती है कि दोनों घंटों बैठकर ये सोचा करते थे कैसे इससे बचा जाए लिहाजा दोनों ने मिलकर के एक योजना बनाई और अब्बा की खिदमत में एक दरखास्त पेश की और एक दिन उन्हें बड़ों के सारे अधिकार जो है वो दे दिए जाए और सब बड़े जो है वो छोटे बन जाए ऐसा इन्होंने कहा कोई जरूरत नहीं उधम मचाने की अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार डांट पिलाई और लेकिन अब्बा जाने किस मोड़ में थे कि ना सिर्फ मान गए बल्कि ये एकरार भी कर नाश्ता तैयार कीजिए एक झापड़ रसीद करके सो रहे हैं मगर याद आया कि आज तो उनके सारे अधिकार छीने जा चुके हैं फिर दादी ने सुबह की नमाज पढ़ने के बाद दवाएं खाना और बादाम का हरीरा पीना शुरू किया तो आरिफ ने उन्हें रोका तौबा है दादी इतना हरीरा पिएगी पेट फट जाएगा दादी ने हाथ उठाया मारने के लिए नाश्ता मेज पर आया। तो आरिफ ने खान सामा से कहा कि अंडे और मक्खन वगैरह सामने रखो दलिया और दूध बिस्कुट इन सबको दे दो। अच्छा अच्छा खाना खाने के लिए कहा पापा ने कहर भरी नजरों से घूरा मगर बेबस थे क्योंकि रोज की तरह वो हर तरह हर तरह माल अपने लिए नहीं रख सकते थे सब खाने में बैठे तो सलीम ने अम्मी को टोका अम्मी जरा अपने दांत देखिए पान खाने से गंदे हो गए तो मैं दांत मान चुकी हूं अम्मी ने टालना चाहा नहीं चलिए उठिए अम्मी निवाला तोड़ चुकी थी मगर सलीम ने जबरदस्ती कंधा पकड़कर उन्हें उठा दिया अम्मी को गुसल खाने में जाते देखकर सब हंस पड़े जैसे रोज सलीम को जबरदस्ती भगा हंसते थे फिर एक अब्बा की तरफ मुड़ा जरा अब्बा की गत देखिए बाल बड़े हुए हैं सेव नहीं किए कल कपड़े पहने थे और आज इतने मैले कर डाले हैं आखिर अब्बा के लिए कितने कपड़े बनाए जाएंगे ये सुनकर अब्बा का हंसते हंसते बुरा हाल हो गया आज ये दोनों कैसे सही नकल उतार रहे हैं सबकी फिर सचमुच शर्मिंदा भी हो गए कपड़े देखकर थोड़ी देर बाद जब अब्बा अपने दोस्तों के बीच बैठे अपनी नई गजल लहक लहक कर सुना रहे थे तो आरिफ फिर से चिल्लाने लगा बस कीजिए अब्बा फौरन ऑफिस जाइए दस बज गए हैं इनको भी फटकार दिया फिर चुप चु चोप अब अब्बा डांटते डांटते रुक गए बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए पाओ पटकते आरिफ के हाथ जो है वो होली है रजिया जरा मुझे पांच रुपए तो देना अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले पांच रुपए का क्या होगा कार में तो पेट्रोल तो है आरिफ ने सुनकर तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का कर क्या करोगे जेब खर्च तो ले चुके हो थोड़ी देर बाद खानसामा आया बेगम साहब आज क्या पकेगा आलू गोश्त कबाब मिर्च का सालन ऐसे करके तो अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया नहीं आज ये चीजें नहीं पकेंगी सलीम ने किताब रखकर अम्मी को की नकल उतारी आज गुलाब जामुन आज़र का हलवा और मीठे चावल पकाओ लेकिन मिठाइयों से रो, रोटी कैसे खाई जाएगी अम्मा किसी तरह सब्र ना कर सकी जैसे कह रही हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से जो है वो खाते हैं तो उन्होंने एक साथ कहा दूसरी तरफ तो दादी कैसे किसी से तू तू मैं मैं किए जा रही थी ओ फो दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला दे रही हैं आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों में सिर थाम कर कहा इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिलाना शुरू कर दिया कि लड़के मेरे पीछे पंजे दालान में ले गए आई और अम्मा शाम को मैं देर से आऊंगी दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है ऐसे कहा तो खबरदार आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया कोई जरूरत नहीं फिल्म देखने की इम्तिहान करीब है और हर वक्त सैर सपाटों में गुम रहती हो आप पहले तो भाई जान का एक करारा हाथ मारने लपके फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े लेकिन हुजूर आली दोस्तों के साथ खाकसार फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके थे इसलिए इजाजत देने की मेहरबानी की जाए उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा बना करें बस एक मैंने एक बार कह दिया उसने लापरवाही से कहा सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगी उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली और नियायत भरी साड़ी में लचकती लटकती जो है वो कॉलेज जा रही थी सलीम ने बड़े गौर से आपा का मुआयना किया इतनी बड़ी साड़ी क्यों पहनी है शाम तक गारत हो जाएगी इस गाड़ी को साड़ी को बदल कर जाइए और सफेद की साड़ी जो है वो पहनी है। अच्छा अच्छा बहुत दे चुके हुक्म अब आपा चिड़ गए हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है उन्होंने साड़ी की सिकने जो है वो दुरुस्त की मतलब उसको प्रेस किया और मैं क्या कर रहा हूँ सुना नहीं मैं क्या हुआ करे मैं क्या कर रहा हूँ सुना नहीं आपने इतनी अच्छी नकल देखकर कर आपा शर्मिंदा हो गई बिल्कुल उसी तरह वो आरिफ और सलीम से अपनी मनपसंद कमीज उतरवा कर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म जो है वो लगाया करती थी दूसरी सुबह हुई सलीम की आंखें खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतजार कर रही थी अम्मी खान सामा का हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज जरूर पकाया करो अंदर आरिफ के खाने के साथ भाई जान मेज का तबला बजा रहे थे और अब्बा जो है सलीम से कह रहे थे स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल दिया करो क्या हर्ज है ये सारी चीजें बाद में ऐसे बदलते हुए आपको दिखाई दी तो जिलानी बानो उर्दू से अनुवाद है लक्ष्मी चंद्र गुप्त जी ने किया है और ये जो है इनकी कहानी है तो ये आपका अब जैसे क्वेश्चन दिए हैं कि अब्बा ने उनकी बात आरिफ की क्यों मान ली कि भैया एक दिन के लिए हम लड़के बच्चे बन जाते हैं तो उन्होंने सोचा कि बच्चों की बात मान लेनी चाहिए वो एक दिन बहुत अनोखा था जब बच्चों की बड़ों के अधिकार मिल गए वो दिन बीत जाने के बाद उन्होंने क्या सोचा होगा आरिफ ने अम्मा ने दादी ने तो आदिप ने सोचा होगा कितना अच्छा होगा अगर रोज ऐसा चलता रहे अम्मा ने सोचा होगा बच्चों की मर्जी भी सुननी चाहिए उन पर पाबंदी नहीं लगानी चाहिए दादी ने सोचा हुआ कि अच्छा हुआ एक दिन बीत गया नहीं तो ये बच्चे नाक में दम कर लेते अपनी उम्र के अकॉर्डिंग अलग अलग सोचेंगे ना ऐसे ही आगे क्वेश्चन आप पर भेज दें कि तुम्हें अधिकार एक दिन के लिए मिल जाए तो क्या क्या कर सकते हो वो तो आप समझ ही रहे अब जैसे यहाँ क्वेश्चन बने कि दोनों घंटों बैठकर किन पाबंदियों से बस निकलने की तरकीबें सोचा करते थे तो तुम्हारे विचार से कौन से तरकीब तो वो यही सोचा करते थे ना कैसे वो बच सकें बड़े लोगों को कैसे समझा सकें कि वो उन पर इतनी पाबंदियां ना लगें कौन सी तकरीब तरकीब से उनकी इच्छा पूरी हो गई तो उन्होंने जो तरकीब निकाली थी ना कि एक दिन के लिए अधिकार दे दिया जाए तो क्या तुम उन दोनों को उस तरकीब से कुछ अच्छा तरकीब सुझा सकते हो तो वो आप अपने विचार बता सकते हैं तो आप देख रहे हैं ना कहानी अगर आपने नहीं पढ़ी होगी तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप शॉर्ट में आंसर नहीं दे सकते हैं इसीलिए मैं पूरी कहानी आपको पढ़ा रहा हूँ समय जरूर लगेगा पर आपको मुझे यहाँ बताने में मैं तो छाट के आपको बता रहा हूँ तो आपको देखने में कम समय लगेगा आगे जैसे लिखा है अधिकारों के बाद आज तो उनके सारे अधिकार छीन चुके हैं अम्मी के अधिकार किसने छीने तो आरिफ ने छीना था और आपका सलीम ने छीना था क्या उन्हें अम्मी के अधिकार छीनने चाहिए थे देखिए अधिकार तो नहीं छीनने चाहिए थे परेशान हो चुके थे समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था उन्होंने अम्मी के कौन क्या उन्होंने अम्मी के कौन कौन से अधिकार छीने जैसे डांटने का अधिकार था अपनी पसंद भोजन बनवाने का अधिकार था पाबंदियां लगाने का अधिकार था इस तरीके से बादशाहत क्या होती है बादशाहत मतलब इसका मतलब होगा कि बादशाह द्वारा अपने राज्य में अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग चीजें चलाएं उसको तुम्हारे विचार से इस कहानी का नाम एक दिन की बादशाहत क्यों रखा गया है क्योंकि आपने देखा ही कि उनको एक दिन के लिए बना दिया गया था ना इसी प्रकार कहानी में उस दिन बच्चों के सारे बड़ों वाले काम करने पड़े ऐसे में कौन सा कौन एक दिन का असली बादशाह जो है वो बना तो एक दिन का असली बादशाह वही आरिफ बना था और सलीम दोनों लड़कों के नाम थे ना वो यहाँ पर बताया गया तो देखिए इसमें ये ऐसे ही जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन है वो आ रहे हैं अगला चैप्टर है चावल की रोटियां जो कि आज हम नहीं देख रहे हैं क्योंकि हमने आधी आपकी पीडीएफ खत्म करा दी है हम बाकी जो हिस्सा है उसको भी एक ही वीडियो में पूरा करा देंगे तो फिफ्थ क्लास आपका पूरा एक साथ जो है वो दो पार्ट में खत्म हो जाएगा लगभग एक घंटे से ऊपर का वीडियो हो गया है और मेन हमारा जो उद्देश्य है आपको जल्दी जल्दी चीजें पहुंचाना है तो तब तक आप इतना देख करके रटिएगा क्योंकि कुछ समय तो इसमें लगेगा ही आपको तब तक हम आगे की चीजें छाट करके तैयार करके क्वेश्चन वोश्चन देख के हम आपको बाकी भी प्रोवाइड करा देंगे और इंग्लिश का हम ऑलरेडी करा चुके हैं जो कि हमने बताया था एक साथ तीनों कराए थे क्योंकि इंग्लिश में हमने बहुत ही शॉर्ट में कराया था क्योंकि इंग्लिश में आपको इतने स्टोरी वहां पर पढ़ करके एक एक का मीनिंग समझाने में बहुत ही ज्यादा समय जाएगा यहाँ तो आप सीधे सीधे पढ़ लेते हैं तो इसलिए हमने इंग्लिश में जो कराया वो तो बहुत ही शॉर्ट में कहानियां में क्या क्या सार है उसको बता दिया है कि आप इंग्लिश में किस कहानी से रिलेटेड क्या है उसको वहां पर समझ पाए तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं वीडियो को शेयर जरूरी सभी के साथ अवश्य कर दीजिएगा ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके वीडियो पसंद आए लाइक जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए सभी को नमस्कार जय हिंद